आत्मीय आदर आभार अभिनंदन नमस्कार प्यारे साथियों प्यारे मित्रों, गोलेंद्र ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है, कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। धन्यवाद प्यारे साथियों। जैन धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईसा पूर्व छठी पाँचवीं शताब्दी में मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उनमें से लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कई संप्रदाय ऐसे हैं जो सर्वोत्तम भारत में रहने वाले अलग अलग समुदायों के प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं पर आधारित थे। इनमें जैन और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे और इनका उदय सबसे शक्तिशाली धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण उत्तर वैदिक समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण का पेशा निर्धारित कर दिया गया था, हालांकि वर्ण जन्म पर आधारित था। दोनों उच्च वर्णों ने तथा कथित निम्न वर्गों ने दरकिनार करते हुए शक्ति, प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों पर कब्जा कर लिया। ब्राह्मण, जिनका काम पूजा और शिक्षा प्रदान करना था, उसने समाज में उच्चतम दर्ज दावा किया। उन्होंने दान, कर, सजा से मुक्ति के अलावा कई विशेषाधिकारों को अपने पास रखा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में इन विशेषाधिकारों के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। क्षत्रिय जो वर्ण व्यवस्था में दूसरे स्थान पर थे, लड़ते थे और शासन करते थे और किसानों से लिए गए करों पर आश्रित रहते थे। वैश्य कृषि कर्म, पशुपालन और व्यापार में लगे हुए थे, वे प्रमुख करदाता भी थे। हालांकि उन्हें 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने की श्रेणी में रखा गया था। द्विज को जनेऊ और वेदों के अध्ययन का अधिकार था। शूद्र वर्ण का तत्पर 3 उच्च वर्णों की सेवा करने वालों से था, अर्थात महिलाओं के साथ इन्हें भी वेद अध्ययन मना था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में वे घरेलू दास, खेतिहर दास, कारीगर और बंधुओं, मजदूरों की तरह काम करते थे। उन्हें क्रूर, लालची और चोर बताया जाता था और उनमें से कुछ अस्पृश्यता के भी शिकार थे। जिनका वर्ण जितना ऊंचा था, उसका महत्व भी उतना ही था। किसी अपराध के लिए जिस अपराधी का वर्ण जितना निम्न था, उसके लिए उतनी ही कठोर दंड का प्रावधान था। वर्ण विभाजित समाज में तनाव स्वाभाविक रूप से पैदा हुए। वैश्यों एवं शूद्रों के संघर्षों का कोई उल्लेख नहीं मिलते। लेकिन क्षत्रिय जो शासक थे, ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व के विरुद्ध जबरदस्त प्रक्रिया व्यक्त करते थे और जनमान वर्ण व्यवस्था की महत्ता के विरोध में आंदोलन का भी नेतृत्व करते थे। क्षत्रियों ने वर्ण विशेषाधिकार का दावा करने वाले ब्राह्मणों के सर्वस्व का विरोध किया। यह विरोध नए धर्मों की स्थापना के कई कारणों में से एक था। जैन धर्म की स्थापना करने वाले वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले महात्मा गौतम बुद्ध क्षत्रिय कबीले के थे और दोनों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत में इन धर्मों के उदय के असली कारण एक नई कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार के क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर भारत में लगभग 100 सेंटीमीटर
बारिश होती है। बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों के उपनिवेश बनने से पहले यहाँ घने जंगल थे जिसे बिना लोहे के कुल्हाड़ी के आसानी से साफ नहीं किया जा सकता था। यद्यपि कुछ लोग इन क्षेत्रों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पहले रहते थे, उन्होंने हड्डी और पत्थर और तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया और झीलों एवं नदियों के किनारे या नदियों के संगम इत्यादि पर एक घुमंतू जीवन जीते थे, जहां भूमि अपरदन और बाढ़ की संभावना हमेशा बनी रहती थी। मध्य गंगा के मैदानी इलाकों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के अंत में बड़े पैमाने पर बस्तियों की शुरुआत हुई। यह तब हुआ जब यहां लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस क्षेत्र में मिट्टी की नम प्रकृति के कारण प्रारंभिक समय के कई लोहे के उपकरण नष्ट हो गए, लेकिन ईसा पूर्व 600 से 500 मतलब 6वीं-5वीं शताब्दी की मिली हुई परतों से अच्छी संख्या में कुल्हाड़ियाँ पाई गई। लोहे के औजारों के उपयोग से जंगलों की सफाई, कृषि और बड़ी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। हल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बैलों की आवश्यकता थी। पशुपालन के बगैर विकास संभव नहीं था। हालांकि वैदिक प्रथा के अनुसार मवेशियों की अप्रत्याशी हत्या से नई कृषि को विकसित करने में बाधा उत्पन्न हुई। पशुधन धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि कई वैदिक बलिदानों के समय गायों और बैलों की बलि दी जाती थी और मगध के दक्षिणी और पूर्वी किनारे पर रहने वाले अवैदिक कबीले भी भोजन के लिए पशु बलि देते थे। हालांकि इस नई कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पशु बलि को रोकना आवश्यक था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में बड़ी संख्या में शहरों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए हम इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जो वर्तमान में ठीक, वाराणसी, वैशाली उत्तर बिहार में इसी नाम से नवनिर्मित जिला भी है ठीक, चिरंद सारण जिला में है ठीक, बोध गया में, ताराडी, पाटलिपुत्र, राजगिरी जो पटना जिले के लगभग 100 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व की दूरी पर स्थित है ठीक, और भागलपुर जिले में चंपा नाम लिया जा सकता है, अर्थात 16 महाजनपद की बात हो रही है ठीक। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का संबंध इन शहरों से था। इन शहरों में कई कारीगर और व्यापारी काम करते थे, जिन्हें पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल जिन्होंने पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल किया ठीक। प्राचीनतम सिक्के ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से संबंधित है और वे समांतर पंच चिन्हित प्रकार के थे। इनका प्रसार पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। सिक्कों के इस्तेमाल ने स्वाभाविक रूप से व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बना दिया, जिससे वैश्य का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मणवादी समाज में वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद तीसरे पायदान पर थे। जाहिर है उन्हें एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जिससे उनकी स्थिति सुधरे। क्षत्रिय के अलावा वैश्य ने महावीर और गौतम बुद्ध दोनों को अपार समर्थन प्रदान किया। व्यापारियों में जिन्हें सेठी कहा जाता था गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को सुंदर उपहार दिए। इसके कई कारण थे। सबसे पहले प्रारंभिक चरणों में जैन और बौद्ध धर्म में विद्यमान वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था, अर्थात जाति व्यवस्था पर विरोध किया गया बौद्ध धर्म जैन धर्म में ठीक। दूसरा, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया ठीक, बलि प्रथा पर रोक लगाया ठीक, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच युद्ध का अंत होने के फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। तीसरा, ब्राह्मवादी ग्रंथों जिसे धर्मसूत्र कहा जाता था ने ब्याज पर धन उधार लेने और ब्याज पर जीने वालों की निंदा की, इसलिए वैश्य को जो
बढ़ते व्यापार और वाणिज्य के कारण पैसे उधार दे रहे थे को कम महत्व मिला, जबकि वे एक बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए प्रयास कर रहे थे। दूसरी तरफ निजी संपत्ति के विभिन्न स्वरूपों के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रियाएं भी मिलती है। पुराने जमाने के लोगों को चांदी, तांबे और संभवतः सोने के सिक्कों का उपयोग और संचयन पसंद नहीं था। उन्हें नए घर और कपड़े, परिवहन की आरामदायक व्यवस्था, युद्ध और हिंसा इत्यादि पसंद नहीं थे। संपत्ति के नए रूपों में सामाजिक असमानताएं पैदा की जो सामान्य लोगों के लिए दुख और पीड़ा का कारण बनी। इसलिए आम लोग पुराने जीवन शैली, संपत्ति के नए रूपों और नई शैली जीवन से मुक्त एक आदर्श स्थिति की लौट लाना चाहते थे आदर्श स्थिति की ओर लौट आना चाहते थे। जैन और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों ने सरल, शुद्ध और संयमित जीवन का प्रसार किया। बौद्ध और जैन भिक्षुओं को जीवन की आराम पसंद चीज़ें त्यागने को कहा गया। उन्हें सोने और चांदी को छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने संरक्षकों से केवल उतना ही स्वीकार करने की इजाज़त थी जो शरीर और आत्मा को साथ साथ रख सके। इसलिए उन्होंने गंगा घाटी की नई जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले भौतिक लाभों के विरुद्ध विद्रोह किया। दूसरे शब्दों में, हमें ईसा पूर्व छठी और पाँचवीं शताब्दी में मध्य गंगा के मैदान में भौतिक जीवन में हुए बदलावों के बारे में वैसी प्रक्रियाएँ मिलती है जैसी आधुनिक समय में औद्योगिक क्रांति से हुई परिवर्तनों के बारे में है। जैसे औद्योगिक क्रांति के आने से बहुत से लोग मशीन पूर्व काल की जीवन शैली में लौट जाना चाहते थे, वैसे ही प्राचीन काल में लोग लौ पूर्व काल में वापस लौट जाना चाहते थे। वर्तमान महावीर और जैन धर्म, अर्थात वर्धमान महावीर का जैन धर्म में क्या महत्व है, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक, जैन लोगों का मानना था कि उनके सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक गुरु महावीर के 23वें और पूर्ववर्ती गुरु थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। यदि महावीर को आखिरी और 24वां तीर्थंकर माना जाए तो जैन धर्म का उद्भव काल ईसा पूर्व नवीं शताब्दी है। कुछ जैनों के अनुसार ऋषभदेव पहले तीर्थंकर अर्थात जैन गुरु थे, लेकिन वे अयोध्या से जुड़े थे जो ईसा पूर्व 500 में ही बसा था। 15वीं सदी तक अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था, लेकिन उनकी ऐतिहासिकता बेहद संदिग्ध थी। मध्य गंगा मैदानों का कोई हिस्सा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पहले किसी हाल में नहीं बस पाया था। जाहिर है कि तीर्थंकरों की पौराणिक कथा, जिनमें से अधिकतर का जन्म मध्य गंगा घाटी में और निर्माण बिहार में प्राप्त हुआ, संभवतः प्राचीनता से जैन धर्म को जोड़ने के उद्देश्य से प्रेरित हो। जैन धर्म की सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य पार्श्वनाथ को था। ठीक, शिक्षा का श्रेय पार्श्वनाथ को था जो 23वें तीर्थंकर थे, बनारस के थे। उन्होंने शाही जीवन त्याग दिया और सन्यासी बन गए। हालांकि उनके आध्यात्मिक उत्तरवर्ती वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महान सुधारक महात्मा वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के जन्म और मृत्यु का सही समय बता पाना मुश्किल है। एक परंपरा के अनुसार महावीर का जन्म 540 में वैशाली के निकट एक गांव में हुआ था जो उत्तर बिहार के वैशाली जिले के बसौर के साथ लगा हुआ था। ठीक, उनके पिता सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय कबीले के प्रमुख थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक, जिनकी बेटी का छलना का शादी बिंबिसार से हुआ था। ठीक, हुई थी। इस प्रकार महावीर का परिवार मगध के शाही
परिवार से जुड़ा था, मगध के शाही परिवार से जुड़ा था। इन शाही संबंधों ने उनकी उद्देश्य पूर्ति के लिए राजकुमार कुलीनों से संपर्क करना आसान बना दिया। ठीक, प्रारंभ में महावीर ने गृहस्थ जीवन बिताया, लेकिन सच की तलाश में 30 वर्ष की आयु में सांसारिक दुनिया छोड़कर सन्यासी बन गए। 12 वर्ष तक ग्रह जगह जगह घूमते रहे, किसी एक गांव में एक दिन से अधिक और किसी एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं ठहरे। कहा जाता है कि 12 वर्ष की अपनी लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने, नहीं बदले। 12 वर्ष तक लभी कपड़े बदलवा नहीं किए। ठीक, सर्वज्ञता मतलब कैवल्य प्राप्ति के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र को पूरी तरह त्याग दिया। कैवल्य के माध्यम से उन्होंने अपने अवसाद और प्रसन्नता पर विजय प्राप्त की। इस विजय के कारण उन्हें महावीर या महानायक या जीन जिनका अर्थ विजेता के रूप में जाना जाता है, उनके अनुयायियों को जैन कहा जाता था। उन्होंने अपने धर्म को 30 साल तक प्रचारित किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे कुशल मगध मिथिला, ठीक मिथिला चंपा और अन्य जगहों पर गए। ईसा पूर्व 468 में 72 साल की आयु में आधुनिक राजगिरी के निकट पावापुरी नामक स्थान पर उनका निधन हुआ। एक अन्य परंपरा के अनुसार उनका निधन 527 ईस्वी में हुआ, लेकिन पुरातत्व ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता। इससे संबंधित कस्बे और बस्तियां ईसा पूर्व 500 तक अस्तित्व में नहीं आए थे। जैन धर्म ने 5 सिद्धांत सिखाए। क्या? हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संचय मत करो, इंद्रिय निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करो। कहा जाता है कि महावीर ने केवल 5 सिद्धांत जोड़ा, 5वां सिद्धांत मतलब जोड़ा, 4 जो पूर्व के चले जा रहे थे उसी में ब्रह्मचर्य को जोड़ा, अन्य 4 अपने पूर्ववर्ती ठीक गुरुओं से लिया था। जैन धर्म ने अहिंसा या जीवित प्राणियों को घायल न करने पर बल दिया। उनके परिणाम कभी कभी बुरे हुए हैं, क्योंकि कुछ जैन राजाओं ने जानवरों की हत्या के दोषी व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया। हालांकि महावीर के पूर्ववर्ती वार्षनाथ ने अपने अनुयायियों से अपने शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को ढकने के लिए कहा था, लेकिन महावीर ने उन्हें पूरी तरह से कपड़े त्यागने को कहा। इसका अर्थ है कि महावीर ने अपने अनुयायियों को अधिक सादा जीवन जीने को कहा। इसलिए बाद के समय में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, अर्थात विभाजित हो गया। क्या? श्वेतांबर में और दिगंबर में। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे, अर्थात दिगंबर जिनके चारों दिशाएं अंबर हों अर्थात कपड़े हों। ठीक, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी। देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी, किंतु उनका स्थान जीना से कमतर आंका गया। ठीक, बौद्ध धर्म की तरह अपने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। महावीर के अनुसार एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों और पुण्यों के फलस्वरूप निम्न वर्णों या उच्च वर्णों में जन्म लेता है। चंडाल में भी महावीर मनुष्योचित गुण तलाशते हैं और उनके अनुसार शुद्ध और योग्यतापूर्ण जीवन के माध्यम से निम्न जाति के लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना है। वैसे मुक्ति के लिए कोई अनुष्ठान आवश्यक नहीं है। यह सही ज्ञान, सही विश्वास और सही अमल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये 3 जैन धर्म के 3 गहने
या त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को युद्ध और यहाँ तक कि कृषि कार्य से भी रोका, क्योंकि दोनों में जीवित प्राणियों की हत्या होती है। अंततः जैनियों ने स्वयं को मुख्यतः वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया। जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म की शिक्षा के प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों में ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों शामिल हो सकते थे। उन्होंने आम लोगों की भाषा प्राकृतिक में अपनी शिक्षा का प्रचार किया। कहा जाता है कि उनके अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 थी, जो बहुत बड़ी संख्या में नहीं किया। चूँकि जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म से कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं रखी, इसलिए यह जनता को आकर्षित करने में विफल रहा। इसके बावजूद जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिमी भारत में फैला। जहां ब्राह्मणवाद कमजोर था, उत्तरी परंपरा के अनुसार कर्नाटक में उत्तरवर्ती परंपरा के अनुसार कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को अर्थात 322 से और 298 को जाता है, ईसा पूर्व को जाता है, जिसमें मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और अपना सिंहासन छोड़कर कर्नाटक में अपने जीवन के आखिरी वर्ष जैन सन्यासी के रूप में बिताया, लेकिन इस परंपरा की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से नहीं हुई है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का दूसरा कारण महावीर की मृत्यु के 200 वर्षों के बाद मगध में हुआ महान अकाल, अर्थात जो 1200 वर्ष का अकाल था। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और आत्मरक्षा के लिए कई जैन जैसे भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में चले गए, जबकि स्थूल बाहु जैन धर्म के जो नेता थे वो रह गए उत्तर में ही, मगध में ही। ठीक, हालांकि बाकी जैन जैसे स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। प्रवासी जैन ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किया। अकाल की समाप्ति पर वे मगध लौट आए, जहां उनका स्थानीय जैनों के साथ मतभेद हो गया। जो लोग दक्षिण से लौटे थे उन्होंने दावा किया था कि अकाल के दौरान भी उन्होंने धार्मिक नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मगध में रहने वाले जैन संतों ने उन नियमों का उल्लंघन किया और वे नियमों के प्रति ढीले हो गए। इन मतभेदों को पाटने के लिए और जैन धर्म की मुख्य शिक्षाओं को संकलन करने के लिए पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में एक परिषद बुलाई गई, लेकिन दक्षिण से लौट जैनों ने इसका बहिष्कार किया और इसके निर्णयों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दक्षिण से लौटे जैन दिगंबर और मगध के जैन स्वतंबर कहलाए। जो दक्षिण से लौटे तो वो दिगंबर, और मगध में रहने वाले जो स्थूल बाहु वाले थे वो स्वतंबर। स्थूल बाहु मतलब स्वतंबर, ठीक, भद्रबाहु यानी दिगंबर। जिस परंपरा में सूखे को इस कारण के रूप में जिम्मेदार बताया गया है वह उसके बाद की है और संदेहास से पद मानी जाती है, ठीक, लेकिन मतलब मानी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैनों को दो संप्रदाय में विभाजित किया गया, लेकिन कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के पुरातात्विक साक्ष्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रचारित नहीं है। परवर्ती शताब्दियों में विशेष रूप से 5वीं शताब्दी के बाद कई जैन मठों की स्थापना हुई जिन्हें बसादीस कहते हैं। कर्नाटक में इनका पर्याप्त विकास हुआ। वहीं के राजाओं के समर्थन और उनके द्वारा दी गई जमीनों पर इनकी स्थापना हुई, ठीक। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जैन धर्म उड़ीसा के कलिंग में फैला। इसे ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। इन्होंने आंध्र और मगध के राजाओं को हराया। ईसा पूर्व 2री और
मतलब ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में यह तमिलनाडु के दक्षिण जिलों तक पहुंच गया था। आने वाले शताब्दियों में मालवा, गुजरात, राजस्थान में जैन धर्म का प्रवेश हुआ। इन क्षेत्रों में आज भी जैनों की संख्या काफ़ी बड़ी है। वहाँ जैन धर्मावलंबी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए हैं। यद्यपि जैन धर्म को बौद्ध धर्म की तरह न तो अधिक राज्य संरक्षण प्राप्त हो सका, न ही यह प्राचीन समय में अधिक तेजी से फैल पाया, फिर भी जहाँ भी फैला वहाँ आज भी बरकरार है। दूसरी ओर भारतीय उपमहाद्वीप से बौद्ध धर्म लगभग गायब हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप से बौद्ध धर्म लगभग गायब हो गया। ठीक, जैन धर्म का योगदान अर्थात समाज में इसका योगदान क्या रहा है। ठीक, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और आनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का पहला गंभीर प्रयास किया। प्रारंभिक जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा संरक्षण प्राप्त संस्कृत भाषा को त्याग दिया। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए सामान्य लोगों की भाषा प्राकृत को अपनाया। उनका धार्मिक साहित्यिक अर्धमगधी में लिखा गया उनका जो धार्मिक साहित्य है अर्धमगधी में लिखा गया। अंततः छठी शताब्दी में गुजरात में शिक्षा के एक बड़े केंद्र बल्बी, जो गुजरात में बल्बी यूनिवर्सिटी था, नामक एक स्थान पर ग्रंथों को संकलित किया गया। जैन द्वारा प्राकृतिक अपनाने से इस भाषा और साहित्य का विकास हुआ। प्राकृतिक से कई क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, विशेषकर सौर सैनी भाषा, ठीक, जिससे मराठी भाषा विकसित हुई है, सौर सैनी भाषा। ठीक, जैनों ने अपभ्रंश में सबसे महत्वपूर्ण काम किए, इसके पहले व्याकरण की रचना की। ठीक, जैन साहित्य में महाकाव्य, पुराण, उपन्यास और नाटक शामिल हैं। जैन के लेखन का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी पांडुलिपि के रूप में है, जिसका अभी तक प्रकाशन नहीं हो पाया है, और ये गुजरात एवं राजस्थान के जैन मंदिरों में पाए जाते हैं। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में जैनों ने भी संस्कृत का पर्याप्त उपयोग किया और इनमें कई ग्रंथ लिखे। यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने कन्नड़ के विकास में पर्याप्त योगदान दिया, जिसमें उन्होंने खूब लिखा। प्रारंभ में बौद्धों की तरह जैन प्रतिमा पूजक नहीं थे। बाद में वे महावीर और 23वें तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। इस उद्देश्य से पत्थरों की खूबसूरत और बड़ी बड़ी मूर्तियां निर्मित हुई कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में खास तौर पर। प्राचीन काल में जैन कला अपने समकक्षीय बौद्ध कला से समृद्ध नहीं थी, लेकिन मध्ययुगीन काल में कला और वास्तुकला में जैन धर्म ने पर्याप्त योगदान दिया। अब यहाँ से आते हैं गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। महात्मा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की अब हम लोग चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ महावीर के समकालीन थे। परंपरा के अनुसार उनका जन्म 567 में ईसा पूर्व में 567 BCE में कपिलवस्तु के पास नेपाल के लुम्बिनी में शाक के क्षत्रिय परिवार में हुआ था, जिसे बस्ती जिले में पीपरहवा नाम से पहचाना जाता है। नेपाल की तराई के करीब है। गौतम के पिता कपिल वस्तु के चुने हुए शासक थे। उन्होंने शाक के गणतांत्रिक कबीले का नेतृत्व किया। उनकी माँ कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इस प्रकार महावीर की तरह गौतम बुद्ध भी एक महान परिवार के थे। एक गणतांत्रिक कबीले में जन्म होने के कारण उन्हें समानतावादी विचार विरासत में मिला। ठीक, बचपन से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील स्वभाव के थे। उनका विवाह जल्दी ही हो गया, लेकिन विवाहित जीवन में उन्हें दिलचस्प नहीं थी। वे दुनिया के लोगों की पीड़ा देखकर पीड़ित थे, जिसका वे हल चाहते थे। महावीर की तरह उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया।
7 वर्ष तक जगह जगह भटकते रहे, फिर 35 साल की आयु में बोधगया में पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी के बाद से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, आत्मज्ञानी के रूप में जाना गया। गौतम बुद्ध ने बनारस के सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश दिया। उन्होंने लंबी यात्रा शुरू की और अपने संदेश को दूर दूर तक फैलाया। उनका शरीर बहुत मजबूत था, वे प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलते थे। वे 40 वर्षों तक लगातार भटकते रहे, उपदेश देते रहे, चिंतन करते रहे, भ्रमण करते रहे। केवल वर्षा ऋतु में ही वे आराम करते थे। इस लंबी अवधि के दौरान उन्होंने ब्राह्मणों सहित प्रतिद्वंद्वी संप्रदायों के कई कट्टर समर्थकों का सामना किया। ठीक, बहस में उन्होंने पराजित किया। अपनी प्रचारक गतिविधियां अमीर गरीब उच्च निम्न पुरुष एवं महिला के बीच भेदभाव नहीं करती थी, उनकी जो प्रचारक समिति थी, ठीक, गतिविधियां थी। कुशीनगर नामक स्थान पर 80 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 487 में गौतम बुद्ध का निधन हुआ, जो पूर्ववर्ती वर्धमान महावीर की तरह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध के अस्तित्व का पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता। बुद्ध ने कौशाम्बी श्रावस्ती वाराणसी वैशाली राजगढ़ जिन शहरों का दौरा किया था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक इनमें से कोई भी शहर के चरित्र वाले स्थान नहीं बन पाए थे। ठीक, बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो हैं देख लेते हैं आज। बौद्ध धर्म के सिद्धांत बुद्ध एक व्यवहारिक सुधारक थे, जिन्होंने उस काल के वास्तविकताओं का ख्याल रखा। उन्होंने खुद को आत्मा और परमात्मा के निरर्थक विवाद में शामिल नहीं किया, जो उन दिनों ज्वलंत मुद्दा था, बल्कि वे सांसारिक समस्याओं से जूझते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया दुखों से भरी है और इच्छाओं से ही लोगों के दुख का कारण, मतलब इच्छाएं जो तृष्णा है, इच्छा ही लोग दुखों का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि दुनिया दुखों से भरी है, इच्छा ही लोगों के दुख का कारण है। अगर इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है, मतलब निर्वाण हो जाता है, निर्वाण प्राप्त होता है, यानी मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ठीक, जिसे मोक्ष कहते हैं ब्राह्मण धर्म में। ठीक, गौतम बुद्ध ने मानव दुख के उन्मूलन के लिए 8 गुणों वाले मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। क्या बताया भाई, देख लेते हैं। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के ग्रंथ में इसका श्रेय उन्हें दिया जाता है। इसमें सही अवलोकन, सही निर्धारण, सही भाषा, सही अमल, सही आजीविका, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही चिंता शामिल है। यदि कोई व्यक्ति इन आठ गुणों वाले मार्ग का अनुसरण करता है तो वह स्वयं पुरोहितों के चुंगुल से मुक्त हो जाएगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। गौतम ने बताया कि एक व्यक्ति को विलासिता और सादगी दोनों के अतीत से बचना चाहिए। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने की सलाह दी, यही मध्य मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाया आगे चलकर। ठीक, बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों के लिए जैन गुरुओं के समान आचरण संहिता बनाई। इसके मुख्य सिद्धांत थे, क्या थे, हिंसा मत करो, दूसरों की संपत्ति का लालच मत रखो, नशीले पदार्थों का सेवन मत करो, झूठ मत बोलो, यवन दुराचार अर्थात व्यभिचार में शामिल मत हो। ठीक, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक, एक प्रकार से करिए जाए तो। वस्तुतः सामाजिक आचरण के लिए सभी धर्मों में ये शिक्षाएं आम हैं। ठीक, अब बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या है और उनका प्रसार का कारण क्या था, ये हम लोग जानेंगे आज। ठीक, बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उसका प्रसार का कारण, ठीक, उसके प्रसार का कारण। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को बौद्ध धर्म नहीं मानता। भारतीय धर्मों के इतिहास में इसे एक तरह की क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभिक बौद्ध दार्शनिक चर्चों में नहीं उलझते थे, आम लोगों से अपील करते थे, विशेष रूप से निम्न स्तरीय लोगों का समर्थन हासिल
था उन्हें, ठीक। उन्होंने मतलब क्योंकि यह वर्ण व्यवस्था पर हमला करता था, बगैर किसी जातिगत भेदभाव के बौद्ध संघ के मतलब बौद्ध संघ में लोगों को स्वीकृति थी। संघ में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर दर्जे से शामिल किया गया, ठीक। ब्राह्मणवाद की तुलना में बौद्ध धर्म उदार और लोकतांत्रिक था। ब्राह्मणवाद की तुलना में बौद्ध धर्म उदार और लोकतांत्रिक था। गैर वैदिक क्षेत्र के लोगों को बौद्ध धर्म ने विशेष रूप से आकर्षित किया। यहाँ इसके प्रसार हेतु उर्वर वातावरण था। रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा अवमानना पाने से शुद्ध मगध के लोग बौद्ध धर्म से सहजता से जुड़े। मगध क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश तक फैले आर्यों की पवित्र भूमि आर्यवर्त की सीमा से बाहर था, ठीक। आर्यावर्त की सीमा से बाहर था। पुरानी परंपरा आज भी बरकरार है। उत्तर बिहार के लोग गंगा के दक्षिण मगध में अंतिम संस्कार करना पसंद नहीं करते, ठीक। बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार में बौद्ध का व्यक्तित्व और उनकी यह प्रविधि मददगार साबित हुई। उन्होंने बुराई को भलाई से और नफरत को प्यार से जीतने को कहा। बदनामी और गालियों से उत्तेजित होने से मना किया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखा। अपनी वाक्पटुता एवं प्रत्युत्पन्नमति से अपने विरोधियों का सामना करते रहे। कहा जाता है कि एक बार किसी अज्ञानी व्यक्ति ने उन्हें गाली दे दी। बुद्ध चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। जब उसने गाली देना बंद किया तब बुद्ध ने पूछा, बंधु अगर कोई व्यक्ति किसी का उपहार स्वीकार न करे तो उसका क्या होगा? उस विरोधी ने जवाब दिया, वह उस व्यक्ति के पास रह जाएगा। तो देना चाहता है? बुद्ध ने फिर कहा, बंधु मैं आपकी ये गालियाँ अस्वीकृत करता हूँ। बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार में ईसा पूर्व 500 के आसपास शुरू हुई भाषा पाली अर्थात प्राकृतिक का एक रूप है जो, ठीक, ने बड़ा योगदान दिया। मतलब पाली भाषा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। इससे आम लोगों के बीच बौद्ध सिद्धांतों के प्रसार में मदद मिली, ठीक। संघ या धार्मिक व्यवस्था का संगठन गौतम बुद्ध ने किया, जिसके दरवाजे प्रत्येक जाति पंथ और लिंग के लिए खुले थे। हालांकि दास सैनिक कर्जदार इसमें भर्ती नहीं हो सकते थे, ठीक। दास सैनिक और कर्जदार बौद्ध धर्म में भर्ती नहीं हो सकते थे, ठीक। भिक्षुओं को संघ के नियम और कानून का पालन ईमानदारी से करना जरूरी था। एक बार उन्हें बौद्ध संघ के सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया जाता तो उन्हें संयम भिक्षाटन और विश्वास का शपथ लेना पड़ता था। इस प्रकार बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख तत्व हैं। बुद्ध धम्म संघ, जिसमें प्रवेश होने बुद्ध धर्म में प्रवेश होने से लेने मतलब जब उप सम्मदा उनकी होती है तो उन्हें 3 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती है। बुद्धंग शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म संघं शरणं गच्छामि। अर्थात संघ के तत्वाधान में संगठित प्रचार के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म ने बुद्ध के जीवन काल के दौरान ही तेजी से प्रगति की। मगध कौशल और कौशाम्बी के साम्राज्य और कई गणतांत्रिक राज्यों और उनके लोगों ने इस धर्म को अपनाया। बुद्ध की मृत्यु के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य राजा मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक। कभी कभी तो यह बात पर प्रश्न भी उठता है कि क्या अशोक बौद्धिष्ठ थे अथवा बौद्ध धर्म को पालन करते थे, ठीक। यह एक युगांतरकारी घटना थी। अपने प्रचारकों के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में प्रसारित किया, ठीक। इस प्रकार इससे एक विश्व धर्म में बदल दिया। आज भी श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन और जापान के कुछ इच्छों में बौद्ध धर्म है। यद्यपि बौद्ध धर्म अपने जन्मभूमि से ही गायब हो गया अर्थात भारत से गायब हो गया, यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के देशों में आज भी बना हुआ है। अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए, पाली साहित्य की बात की जाए तो बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ठीक।
बौद्ध धर्म के पतन का कारण। बौद्ध धर्म के पतन का कारण, 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो गया। 11वीं शताब्दी तक यह बंगाल और बिहार में परिवर्तित रूप में रहा, मतलब जो बंगाल के पाल शासक थे वो अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किए हुए थे, ठीक। लेकिन उसके बाद बौद्ध धर्म लगभग पूरी तरह से भारत से गायब हो गया। यह कैसे हुआ यह प्रश्न अभी तक नहीं मिला है। चलो हम लोग जानते हैं, हम पाते हैं कि शुरुआत में प्रत्येक धर्म की शुरुआत सुधार भी भावना से प्रेरित होता है, लेकिन अंततः यह उसी रीति रिवाज और समारोह का हिस्सा हो जाता है जिससे यह जूझ रहा होता है, ठीक। बौद्ध धर्म में इसी प्रकार का बदलाव हुआ। यह ब्राह्मणवाद की बुराई का शिकार बन गया जिसके विरुद्ध उसने शुरू में संघर्ष किया था। बौद्धों की चुनौती के अनुरूप ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधार किया। उन्होंने पशुधन की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और महिलाओं तथा शूद्रों को स्वर्ग प्रवेश का आश्वासन दिया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म बेहतर होता चला गया। बौद्ध भिक्षु क्रमशः लोगों के जीवन की मुख्य धारा से कट गए। उन्होंने लोगों की भाषा पाली को छोड़ दिया और अपने बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत को अपना लिया। पहली शताब्दी के बाद वे बड़े पैमाने पर मूर्ति पूजा करने लगे, गंधार और मथुरा शैली में जो मूर्तियां बनी थी, भक्तों से कई प्रसाद लेने लगे, ठीक। बौद्ध मठों के लिए उदार राजशाही द्वारा प्रदत्त समृद्धि प्रसाद ने भिक्षुओं के जीवन को आसान बना दिया। नालंदा जैसे कुछ मठों ने 200 वर्ष से अधिक गांव, मतलब 200 से अधिक गांव, 200 से अधिक गांव से राजस्व एकत्रित किया। 7वीं शताब्दी तक बौद्ध मठों में आराम पसंद लोगों का वर्चस्व बढ़ा और वे गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिबंधित भ्रष्ट प्रथाओं के केंद्र बन गए। बौद्ध धर्म का नया रूप ब्रजायन के रूप में जाना जाता था, ब्रजायन के रूप में जाना जाता था, ठीक। मठों में बढ़ते बौद्ध कामलोलुप दृष्टि से देखने लगे, ठीक। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, मठों में महिलाओं को भर्ती न किया जाए तो बौद्ध धर्म 1000 साल तक जारी रहता, लेकिन चूंकि उसे परिवेश दिया गया इसलिए यह केवल 500 साल तक में ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का जन संहार किया, अर्थात जो बौद्ध धर्म का एक शीश काट के लाएगा उसे इनाम देने का लालच इसी पुष्यमित्र सिंह ने किया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण शासक था। 6वीं शताब्दियों में उत्पीड़न की कई घटनाएं मिलती है। शिव के परम भक्त हूण राज मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मार डाला। शिव का परम भक्त था मिहिरकुल जो सैकड़ों बौद्धों को मार डाला। गौड़ियों के शासक सौ शशांक ने बौद्ध गया में बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया, उसकी प्रतिमा को गंगा में फेंकवा दिया, ठीक, जहाँ बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। व्यंगसांग बताते हैं कि 1600 स्तूप और मठों को नष्ट कर दिया गया। हजारों भिक्षुओं और अनुयायियों भिक्षुणियों की हत्या कर दी गई। ये सब बिना किसी तथ्य के नहीं हो सकते। बौद्ध प्रतिक्रियाओं को बौद्ध मंदिरों में देखा जा सकता है जिसमें बौद्ध ब्राह्मणवादी हिंदू देवताओं के ऊपर वर्चस्व करते दिखाए गए हैं। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णवों ने शुरुआती मध्ययुगीन काल में जैनों और बौद्धों का कड़ा विरोध किया। इन संघर्षों से बौद्ध धर्म कमजोर हुआ होगा। अपार धन के कारण ये मठ तुर्की आक्रमणकारियों की नज़र में आए और लालची आक्रमणकारियों ने इसे निशाना बनाया। तुर्कों ने बिहार में बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की। हालांकि कुछ भिक्षु नेपाल और तिब्बती भागने में कामयाब रहे। हर हाल में 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म वास्तव में अपनी जन्मभूमि भारत से गायब हो गया। मतलब कि 1200 जो 12वीं शताब्दी है उसमें पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म भारत से नष्ट हो गया था, ठीक, गायब हो गया था। बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव। एक संगठित धर्म के रूप में लुप्त होने के बावजूद बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ा
सौ ईसा पूर्व के आसपास बौद्धों ने उत्तर पश्चिम के लोगों की समस्याओं के बारे में गहरी जागरूकता दिखाई। लोहे के हल से ही की जाने वाली खेती, व्यापार और सिक्कों के इस्तेमाल से व्यापारीगण और रईस लोग धन इकट्ठा करने में सक्षम हुए। सुना जाता है कि लोगों के पास 80 कोटी धन होते थे। इन सबसे स्वभावतः सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म ने इसलिए लोगों को सलाह दी थी कि धन इकट्ठा न करें। ठीक इसके परिणामस्वरूप घृणा, क्रूरता और हिंसा, गरीबी आदि व्यापक पैमाने पर बढ़ी। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए बुद्ध ने सिखाया कि किसानों को अनाज एवं अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को पूंजी और बेरोजगार को रोजगार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। दुनिया भर से गरीबी उन्मूलन के लिए इन तरीकों को अपनाने की सलाह दी गई। बौद्ध धर्म ने यह भी सिखाया कि भिक्षुओं को यदि कोई गरीब दान देते हैं तो वे अगले जन्म में धनी पैदा होंगे। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता ईसा पूर्व चौथी पाँचवीं शताब्दी में उत्तर पूर्व भारत की भौतिक स्थिति के विरुद्ध उठी प्रतिक्रिया का द्योत था। यह संहिता भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र एवं यौन व्यवहार पर प्रतिबंध लगाती है। वे सोने चांदी स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्रय विक्रय का सहारा नहीं ले सकते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद इन नियमों को ढीला छोड़ दिया गया, लेकिन प्रारंभिक नियम एक तरह से आदिम सामान्यवाद, समानवाद, साम्यवाद, व्यापार और उन्नत कृषि से परहेज वाले कबीलाई समाज की विशेषता की वापसी का